आज बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों को लेने आए हुए हैं। पुलिस भी लगा रखी गई है, सीआरपीएफ भी लगा रखी गई है। ये डर है जो हमारे दिलों में बैठा दिया गया, जो अपने बच्चों को आज हम लेने के लिए आए हैं। यदि माँ बाप ना आए तो यहाँ पर फिर 20 तारीख दोहराई जा सकती है। 13 तारीख को मैं स्कूल से बाहर निकला ना, मेरे को उसी दिन यहाँ से बाहर निकल मैं इधर मुड़ा, मेरे को जो है ना काफ़ी सारे लड़के आके कह रहे कि हम आपको मारेंगे। मैंने कहा कि मुझे मारना क्या, मैं तो मारा वारा थोड़ी को नुकसान थोड़ी बचाया। वो कह रहे तुझे स्कूल का है तेरे को हम मारेंगे जरूर, गड्ढे वाले स्कूल का है। यहाँ पे क्या है, जो सामने वाले स्कूल के जो बच्चे बड़े बड़े हैं ट्रांसफर करे गए सामने पे, वो अपनी यहाँ पे तानाशाही दिखा रहे हैं। और यहाँ के कच्ची खजूरी के बच्चे हैं और जो गड्ढे वाले स्कूल से किरावल नगर से आ रहे हैं उनको ही टारगेट करा जा रहा है। बस यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, जो हम कतई होने नहीं देना चाहते। पेपर दे के निकल रहे हैं, उसके बाद अगर चाकू मार रहे तो पहले से लेकर आए थे। ये तो स्कूल प्रशासन को बताना चाहिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं क्लियर। इस वक्त हम मौजूद हैं खजूरी खास में, और जिस तरह से जो है पिछली घटना सामने आई थी उसके बाद से ठीक जो है आज बच्चों का दूसरा एग्जाम था। सेंटर पे हम खुद भी मौजूद थे। यहाँ पे देखिए एक बार तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से जो है आज दिल्ली पुलिस की यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसके साथ में जो है एसएसबी का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो तमाम पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो है यहाँ से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक दूसरी तरफ भी एक स्कूल है, स्कूल की तस्वीर दिखाइए कि दूसरी तरफ भी स्कूल है और इसमें भी बच्चों का जो है एग्जाम पड़ा हुआ है। हालांकि अभी जो यहाँ पे इस एग्जाम के प्रिंसिपल है, जो इंचार्ज है, उन्होंने आपस में सलाह की और सलाह के बाद जो है एक स्कूल के बच्चों को अभी रोक दिया गया है। हालांकि जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं इस तरफ, उन बच्चों को अभी बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो है 20 तारीख को जिस तरह से बच्चों की दो गुटों में लड़ाई हुई थी वो चीज़ जो है दोबारा ना हो, दोबारा वो लड़ाई आक्रमक ना हो, इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे बच्चों को अलग अलग स्कूल का जो है वो अलग अलग तरीकों से निकाला जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये वही बच्चे हैं जो 20 तारीख को एग्जाम देने आए थे। क्या नाम है आपका? जीतू सर। अच्छा ये बताइए उस दिन क्या हो गया था? सर कुछ नहीं, स्कूल से आते समय दयालपुर की साइड ही हमला कर देता सामने से। अच्छा ये एक मिनट हिमांशु, अभी आप ठीक है? अभी पेन हो गया था अभी बीच में पेपर करते समय। एग्जाम कैसा गया आपका? सही गया मतलब। बाकी उसके बाद से आपको टीचर से लेके और पुलिस वालों की सहयोग मिली ना? हाँ जी मिली ना। ठीक है, तो ये आप जिससे हमने आपकी बातचीत कराई थी ये हिमांशु है, उस दिन भी हमने आपको तस्वीर दिखाई और आज भी ये आप कौन है सर? इसका भाई हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये बताइए उस दिन क्या आप साथ में आए? नहीं आए। कौन आए थे? सर आए थे, ठीक है, पर ये उस साइड से निकाल दिए गए थे। हम आए थे इस साइड से। अच्छा। हाँ, पर ये इस साइड से निकाल दिए गए थे, तो हमने सोचा हम भी घर चला के दिखे, तो बाद में किसी घर इसके दोस्त का फोन आया, ठीक है जी आपका भाई बेहोश पड़ा। यानी कि आप देख सकते सर आपका नाम दीपक। अच्छा दीपक जी, ये बताइए जिस तरह से उस दिन लड़ाई हुई कुछ मामला पता चला? मामला क्या, कुछ अराजक तत्व हैं जो सारे खेल को खेल रहे हैं, और आपने देखा होगा आज बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों को लेने आए हुए हैं। पुलिस भी लगा रखी गई है, सीआरपीएफ भी लगा रखी गई है। ये डर है जो हमारे दिलों में बैठा दिया गया, जो अपने बच्चों को आज हम लेने के लिए आए हैं। यदि माँ बाप ना आए तो यहाँ पर फिर 20 तारीख दोहराई जा सकती है, इसलिए आज हम अपने बच्चों को लेने आए हैं। प्रशासन को, शासन को ध्यान देना चाहिए इस ओर कि कौन से वो अराजक लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको चाकू कहाँ से निकली होगी? क्या चीज? चाकू कहाँ से निकली होगी? क्या वो स्कूल के छात्र होंगे वो बच्चे? बिल्कुल स्कूल के छात्र भी हो सकते हैं, उनके साथी भी हो सकते हैं। तो क्या उनकी बैग चेकिंग नहीं हुई? क्या इसमें भी लापरवाही है? बैग चेकिंग जरूरी नहीं, स्कूल में बैग में ही लेकर आए, बाहर भी अपने साथियों को बुला लेते हैं जिनके माध्यम से वो गलत कार्य को करवा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के चाकू मारे गए हैं, माँ बाप आज डर में जी रहे हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि इस प्रकार डर में लोग बाग अपने बच्चों को लेने आते हो, पर डर के वातावरण में जी रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, जो भी वो लोग हैं, जो भी वो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि माँ बाप कम से कम सुरक्षा की, अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता ना करें। ये तमाम बच्चे हैं यहाँ से, बच्चे निकल रहे। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बढ़िया गया। बढ़िया गया, किस चीज को लेकर उस दिन लड़ाई हो गई थी कुछ बताओगे? वो यही हुई थी, यहाँ पे जय श्री राम चिल्ला रहे थे बच्चे। ये आप तस्वीरों में देखिए कि बच्चे जो है यहाँ पे किस तरह से जो निकाले जा रहे हैं सरेआम जो है, ये सारे स्कूल के बच्चे हैं। और अभी भी जो है दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को रोका गया है ताकि
यहाँ पर जिस तरह से एसएसबी के जवानों को लगाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो है यहाँ पे बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे भीड़ ना लगे, क्योंकि आज जो है 12वीं के एग्ज़ाम लास्ट डेट था और बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर दिखाइए कि किस तरह से राजकीय उच्च स्तर माध्यमिक बालिका विद्यालय एक तरफ है तो दूसरी तरफ राजकीय सर्वोद्या बाल विद्यालय एक तरफ है, यानी कि दोनों जो स्कूल है वो दोनों आमने सामने हैं और आमने सामने होने के कारण जो है यहाँ पर बच्चों में आपसी टकराव हो गई और टकराव होने के बाद जो है किस तरह से जो बच्चे आपस में भिड़े, हालांकि हमने दो लोगों से बात कराई कि जिस तरह से उनको भी चोट लगी थी उस दिन और उसके बाद जो है आज वो एग्ज़ाम देने आए। हालाँकि आज जिस तरह से यहाँ पर टीम को तैनात किया गया है, एसएसबी के टीम को, दिल्ली पुलिस के जवान को, उसके बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़ी निगरानी में जो है बच्चों को निकाला जा रहा है, यानी कि अब हम दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से किस तरह से बच्चे निकलते हैं और उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो सदस्य हैं वो लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हालाँकि इन लोगों ने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत की। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इससे आपने निकला? इस मामले को जब हमने देखा यहाँ पर जी। पहले पेपर से यहाँ झगड़ा हो रहा था, बच्चों के साथ मार पिटाई हो रही थी, तो वो मार पिटाई हर पेपर में बढ़ रही थी। हर पेपर में बढ़ने के बाद जब बच्चों से मुझे पता चला तो मैंने माननीय श्री जय भगवान गोयल जी को बताया। जय भगवान गोयल जी ने डीसीपी साहब को बोला, एसीपी साहब को बोला, तो यहाँ फोर्स लगी। लेकिन जब फोर्स यहाँ लगी तो ये कांड रस्ते में हो गया। अच्छा। चाकूबाजी। उसके बाद हमने लगातार संपर्क में है पुलिस के, कल भी हमने डीसीपी साहब से बात की थी। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ से लेके पूरे रास्ते पुलिस फोर्स रहेगी। और जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का काफ़ी इंतजाम किया गया है? मैंने कहा ना, ये हमारी जागरूकता का नतीजा है। हम लोग जागरूक थे, कल भी डीसीपी साहब से माननीय श्री जय भगवान गोयल जी ने बात की थी और उसी का नतीजा है कि हाँ आज इतनी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अभी भी रास्ता बाकी है, अभी रास्ते में पुलिस व्यवस्था है या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि उस दिन कांड तो रास्ते में ही हुआ है, यहाँ नहीं हुआ, रास्ते में ही हुआ। बच्चे जैसे पेपर जा रहे थे तो तभी उनके साथ वहाँ पे चाकूबाजी हुई है। अब यहाँ पे दूसरे स्कूल के बच्चों को निकाला जा रहा है और वो जो बच्चे हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पहले बच्चे को निकाला गया उसके बाद जो है अब ये दूसरे तरफ जो स्कूल है खजूरी खास का, यहाँ से अब बच्चे निकल रहे हैं। इसके बाद भी है 1-3 तारीख को और उसमें भी इसी तरह से पुलिस व्यवस्था और कानून प्रशासन को बनाए रखने की अपील होगी कि जिस तरह से आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ, पहले इस तरफ के स्कूल के बच्चों को निकाला गया, फिर उसके बाद जो है अब दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को निकाला जा रहा है। और यहाँ पर एक बार तस्वीर दिखाइए कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, एसएसबी के जवान भी मौजूद है और ये तमाम बच्चों का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और ये लोग जो है एग्ज़ाम देकर सीधे निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मानव। मानव, आपने जब 20 तारीख को एग्ज़ाम देने आया उस दिन क्या हुआ? मैं 20 को आया था, मैं 13 तारीख को आया, 13 तारीख को मैं स्कूल से बाहर निकला ना, मेरे को उसी दिन यहाँ से बाहर निकल मैं इधर मुड़ा, मेरे को जो है ना काफ़ी सारे लड़के आके कह रहे कि हम आपको मारेंगे। मैंने कहा कि मुझे मारना क्यों, मैं तुम्हें मारा वारा थोड़ी, कोई नुकसान थोड़ी पहुँचाया। वो कह रहे तुझे स्कूल का है तेरे को हम मारेंगे जरूर, गड्ढे वाले स्कूल का है। किस चीज़ को लेकर आपकी लड़ाई हो गई थी? हमें तो वैसे सारे मोमडन थे जिन्होंने मुझे मारता। अच्छा हाँ, उन्होंने टोपी वोपी सब लगा रखी थी। अच्छा, टोपी वोपी सब लगा रखी। हाँ, आपका भी उस दिन एग्ज़ाम था? मेरा 13 तारीख को एग्ज़ाम था, जिस दिन इसको मारा था, मैं इसका फ्रेंड हुआ और वहाँ से लड़के भागते हुए आए थे डंडा लेके हुए, इसमें मारना चालू कर दिया था। अच्छा, कसूर क्या थी, किस वजह से उन्होंने आप लोगों के? घर जा रहे थे, नीचे वाले रास्ते से मेरा घर दयालपुर पड़ता है, इधर वाले रास्ते से हम घर जाते हैं, मेरे को छोड़ता हुआ चला जाता है, तो इस वजह से हम जा रहे थे तो इसे मारा था। अच्छा हाँ, मतलब ये पता नहीं चला कि उन्होंने जो लाठी चलाए डंडे चलाए वो किस वजह से चलाए? नहीं पता चला। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट भी की थी? क्या शिकायत हुई उस पर? उसमें कहा कि आप पहचान लें उन बच्चों को और जो है आप खुद, हम उन्हें पकड़ के एक्शन ले लेंगे। पर लेकिन भीड़ में बच्चे को कौन पहचानेगा? अच्छा, ये तो बताओ, मतलब भीड़, अगर कोई भीड़ किसी को मारेगी तो बच्चे पहचान लेगा इतनी आसानी से? ये तो देखो एक बार,
और आज किस तरह से आपको उस दिन क्या था, क्या उस दिन व्यवस्था थी, सुरक्षा थी? कुछ नहीं थी कुछ नहीं थी उस टाइम पे, बस खाली यहाँ पे जीप खड़ी हुई थी और वो भी बस जीप जीप खड़ी थी, कोई था नहीं। अच्छा, यानी कि जो स्टूडेंट है, ये सामने वाला स्कूल है, इस तरफ का स्कूल है, दोनों की छुट्टी एक ही साथ हुई, भीड़ हो गई, दोनों एक ही साथ निकले और उसके बाद जो है बहसा बहसी हुई, लड़ाई हुई। हाँ, ये सब हुआ, बहसा बहसी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई थी। अच्छा, ये बात थी। और सुबह हमारे स्कूल के बच्चों को थप्पड़ ही मारता। अच्छा, बिना कुछ कहे आप लोगों को थप्पड़ मार दिया और आप लोगों से पे चाकूबाजी करनी शुरू कर दी। हाँ, फिर 20 तारीख को मुझे सुनने में आया चाकूबाजी भी हो गई है, क्योंकि उस दिन मेरा पेपर नहीं था, मेरे दोस्त का पेपर था। अच्छा, उस दिन आपका पेपर नहीं। 20 तारीख को क्या हुआ था ये बताइए। 20 तारीख का शेरपुर मोड़ से लड़के पहचान पत्र को ऑफिस तक मारे थे, चक्कू वक्कू लगे थे, जो 5 लड़के ने लगे, वैसे तो 3 लड़के को मैं जानता हूँ, मेरे साथ में पढ़े। और फिर वहाँ पे पुलिस वाला अंकल ने मेरे से पूछा था, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था। अच्छा, हाँ जी। आज तो किसी प्रकार की आपको यहाँ पे परेशानी नहीं हुई? नहीं, कुछ परेशानी नहीं। आज शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ? हाँ जी। क्या कहेंगे सर इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से बच्चे जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या ये सही है? सर, ये लड़ना तो सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो सामने वाले स्कूल के जो बच्चे बड़े बड़े हैं, ट्रांसफ़र करे गए सामने पे, वो अपनी यहाँ पे तानाशाही दिखा रहे हैं, और यहाँ के कच्ची खजूरी के बच्चे हैं, और जो खड्डे वाले स्कूल से किरावल नगर से आ रहे हैं, उनको ही टारगेट करा जा रहा है बस। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं में ही बच्चों में ये यूनिफॉर्म देके उस स्कूल की, उन्हीं में ही जो ब्लेड चाकू जो सरिया वगैरह जो चले हैं वहाँ दयालपुर पे, सिर्फ उन्हीं में मारे जा रहे हैं, और कोई बच्चों में किसी में चोट नहीं लग रही है। तो क्या बच्चों को जो है यूनिफॉर्म देख के मारा जा रहा है? हाँ जी, यूनिफॉर्म देख के मारा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी छात्र, इस स्कूल के भी बच्चे छात्र, उस स्कूल के भी बच्चे छात्र, तो आखिर जो अगर ये चाकूबाजी हुई, तो ये चाकू कहाँ से आ गया? क्या उनके बैग में मौजूद था पहले से? वो जो बच्चे बैग में नहीं, उनके बाहर से साथ में आते हैं ना, वो संग लेके रेडी रहते हैं, और यहाँ से तो उतना 20 तारीख को हमने सब उधर भेज दिए उस वाले स्कूल के, उन्होंने यहाँ उनको मौका नहीं मिला इधर भी कोई घेरने का, तो उन्होंने आगे टारगेट कर दिया दयालपुर के आगे। कुछ दयालपुर के बच्चे थे मिले हुए, और कुछ आगे के बच्चे थे, उन्होंने उनको बच्चों को टारगेट करा जो छोटे ग्रुप में जा रहे थे, बाकी बच्चे तो जो ग्रुप में निकल गए वो निकल गए, जो बच गए। आज जो है बच्चों की परीक्षा किस तरह से गई और क्या रहा? देखो, बच्चे तो परीक्षा जो देने वाले वो जाने, मगर आज माहौल फिर भी ठीक रहा, सख्ती रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अपनी फोर्स भेजी थी, उनकी वजह से थोड़ा ठीक ठाक रहा है। आगे भी एग्ज़ाम? आगे भी एग्ज़ाम है जी, 3 तारीख का, तो 3 तारीख पे भी ऐसा रही है, तो झगड़ा नहीं होगा किसी में। अच्छा, हाँ जी, मगर आगे का जो टारगेट है, मगर उसका कुछ पता नहीं अभी भी, आगे क्या सोच समझ के बैठे क्या नहीं बैठे कुछ पता नहीं। तो यानी कि आप चाहते हैं, जिस तरह से आज जो है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, उसके साथ जो है SSB की टीम थी, उसी प्रकार जो है आगे जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें भी इसी तरह की सुरक्षा रहे? जी, इसी तरह की सुरक्षा रहेगी तो अच्छा है, बाकी पेरेंट्स तो सारे घबराए हुए हैं, उधर के स्कूल वालों के पेरेंट्स जो सारे के सारे बहुत घबराए हुए हैं, वो तो कह रहे कैसी परीक्षा हो जाए, आज भी लोग बच्चे भेजने को तैयार नहीं थे पेपर देने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि उस दिन जो दो बच्चे को चाकू लगी थी, वो दो भाई थे शायद, एक उसमें से एक की मौत हो गई? नहीं, बच गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, बच गया बच्चा, बहुत ज़्यादा मिल के आए हुए, और बच्चों के तो बहुतों के लगे थे, किसी के कंधा में, किसी के हाथ में, किसी कोहनी में, जो छोटे छोटे जिनके जा रहे थे वो अपने अलग हो गए, जो ज़्यादा सीरियस थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इस चीज़ को लेकर सर आप लोगों ने किस तरह से आवाज़ उठाई, कानून व्यवस्था ने किस तरह से आप लोगों का साथ दिया? जय श्री राम। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से यहाँ झगड़ा हो रहा है, उस तरह से ऐसे लग रहा है कि हम हिंदुस्तान नहीं किसी पाकिस्तान के निवासी हैं। इस तरह से स्कूल के अंदर टोपी पहन के आना, और आपने भी देखा होगा आए दिन टोपी पहन के अंदर घुसना, जो लॉ एंड ऑर्डर को। टोपी और टीका, ये दोनों पर लड़ाई क्यों होता है? टोपी टीका नहीं, टीका तो जैसे आज नवरात्रे हैं तो टीका लगाना हमारा हुआ है, टोपी पहन के अपना एकजुट करके अपना बहुमत दिखाते हैं, जैसे हम कुछ अलग ही हैं, वो चाहते हैं अंदर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाना, ऐसा करते हैं, और ऐसे हमारे संज्ञान में आया है। हमारे माननीय जयवंत गोयल जी ने DCP साहब से भी बात की, तो उस पर कुछ रोक लगी। यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, जो हम कतई होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, सबके लिए एक बराबर रहे, मगर ये एक तरह से हाथों में ऐसे ब्लेड लगा के आना, और विशेष लोगों को ड्रेस देख के उन पे टारगेट करना,
ये क्या दर्शाता है, आप खुद सोचिए, मैं कुछ नहीं कर, आप खुद सोचिए क्या दर्शाता है। वो कहते हैं हम ही हम, यानी उन पे कोई कानून व्यवस्था का कोई दबाव ही नहीं है, और ये उल्टा ही हमारे समुदाय के लोगों को ही फंसा के और उनको ऊपर ही केस बना के ऐसे सवाल रहेगा। सर ये तो अभी छात्र हैं, इनके अंदर जो है इस तरह की नफरत और हिंसात्मक भावना कहाँ से आती? देखिए स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, टोपी नहीं चलो टीका नहीं, अगर टीके पे आप विरोध करते हो टोपी पे विरोध क्यों नहीं करते? अच्छा। जब सारे एक ही ड्रेस में आएंगे किसको क्या पता कौन विशेष समुदाय का है या नहीं, जब अपनी समुदाय का विशेष वो आएंगे दिखाएंगे हम ही हैं, वो अपना दबदबा कायम करेंगे तो लोगों में भय का माहौल उत्पन्न करते हैं, वो रुकना चाहिए। जिससे स्कूल पढ़ाई के लिए है पढ़ाई के लिए हो, ना कि ये कोई गैंगवार या गैंग के तरीके से यहाँ कोई कार्य ना हो, यहाँ पढ़ने आते हैं पढ़ाई का कार्य हो, गैंगवार जैसे गैंगवार की तरह कार्य हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये रुकने चाहिए। ये टीचर जो है अभी जब कुछ लोग अंदर पहुँचे तो उन्हें धक्का मार कर बाहर निकाल दिया, लेकिन ये टीचर जो है यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है, ये साफ तौर पर मीडिया के सामना नहीं करना चाहते, ये साफ तौर पर जो है एक भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने किस प्रकार की सुरक्षा दी थी जिसके बावजूद जो है यहां पर बच्चे आपस में लड़ गए, आखिर जो है उन बच्चों के बैग में चाकू कैसे मिले, ये लोग जो है वो चीज का जवाब नहीं दे रहे। यहां पे गार्डों के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि गार्डों ने जो है उन छात्रों को हाथों में डंडा दिया, लाठी दिया, जिसकी वजह से जो है उन छात्रों ने हमला किया और बेखौफ होकर किस तरह से यहां पे आज जो है एक भी यहां के शिक्षक यहां पे बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जो है यहां पे वो लोग अंदर थे उन लोगों से बातचीत करते। विकास जी क्या हुआ था जब आप अंदर गए? देखिए हम सिर्फ यहां से बात करना चाह रहे थे, यहां जो एक गार्ड खड़ा हुआ उसकी कंप्लेंट आ रही थी, कई बच्चों ने कंप्लेंट दी, वो गार्ड इस झगड़े में इन्वॉल्व था। हमने जब यहां स्कूल पे आके देखा वही गार्ड सिविल ड्रेस में खड़ा हुआ है, या दो गार्ड है दोनों गार्ड सिविल में खड़े हुए, हम कैसे पता करें गार्ड और कौन पब्लिक है? कुछ छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि जो ये यहां के गार्ड है उन्होंने बच्चों को डंडा दिया था। बिल्कुल, देखिए हम इसी वजह से यहाँ पे गार्डों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन गार्ड यहाँ पता ही नहीं चल रहा गार्ड कौन है, यहाँ तो पब्लिक भी ऐसी लग रही है और सिविल में जो गार्ड खड़े हैं वो भी पता ही नहीं चल रहे हैं उसमें। जब आप टीचर से बात करने पहुंचे तो टीचर ने क्या बोला? हमने टीचरों से बात करी कि आपने जो गार्ड लगा रखे हैं ये एक तो पहले सिविल ड्रेस में है, ये अगर प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो पता चलता है कि आज ये गार्ड है, अगर सिविल में है तो किस बच्चे को पता है, किस पेरेंट्स को पता है गार्ड है यहाँ पे, कोई भी आके खड़ा हो जाएगा। दूसरा, जब हमने टीचरों से बात करी टीचर हमसे ही उल्टा झगड़ा कर रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप स्कूल में झगड़ा करने के लिए आए हैं, कोई जवाब क्लियर दे नहीं रहे लोग। क्या जवाब मांगा था आपने उनसे? देखिए हम इनसे पता करना चाह रहे थे अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई गार्ड है जो बच्चे नाम ले रहे हैं वो झगड़े में इन्वॉल्व था या उस दिन किसी की ड्यूटी थी तो वो हमें ये तो बताए कम से कम कि यहाँ ड्यूटी थी तो किस तरीके से झगड़ा हुआ, हमारे बच्चे अगर पकड़े गए तो ये गार्ड सिस्टम कर क्या रहे थे यहाँ पे? गार्ड गेट से बाहर निकलने के बाद स्कूल प्रशासन कहता है जी हमारा कोई रोल नहीं है, बच्चा घर से अगर यहाँ तक निकल के आ रहा है बच्चा कहीं रस्ते में पिट जाता है तो स्कूल उसकी सीधे मार्कशीट में फेल लिख के भेज देगा। ये बहुत सारे छात्रों ने ये भी बताया कि उन लोगों के बैग में ही मिले थे डंडे वगैरह। बिल्कुल, बैग तो क्या यहाँ पे जो है बच्चों का बैग चेकिंग नहीं हुआ? देखिए ये तो स्कूल प्रशासन का काम है, ये चीज़ भी हमने इनसे पूछी, क्योंकि जब बच्चे अगर घर से प्रॉपर आते हैं घर की ड्रेस में घर से आए तो पता लगता है घर से आ रहे हैं, स्कूल की ड्रेस में पेपर दे के निकल रहे हैं उसके बाद अगर चाकू मार रहे तो पहले से लेकर आए थे, ये तो स्कूल प्रशासन को बताना चाहिए लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे क्लियर। तो ये देखिए साफ तौर पर जो है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे, इस स्कूल का नाम दिखाइए एक बार, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय है, और यहाँ पे जो है जितने भी यहाँ के टीचर्स है वो बात करने को तैयार नहीं है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर जो है बच्चे आपस में कैसे लड़ गए, आखिर उनके पास जो है हथियार कहाँ से आया, डंडे कहाँ से आए, ये तमाम सवाल है जो यहाँ पे शिक्षा प्रशासन पे सवाल उठाता है। और यहाँ के शिक्षकों से जब हमने सवाल पूछा तो वो लोग जो है माइक को नजरअंदाज करते आए। फिलहाल के लिए इतना ही, देश की राजधानी दिल्ली से मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।